कोरोना महामारी से इस साल देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ा एक अहम कार्यक्रम भी अछूता नहीं रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और अधिक लोगों के इकट्ठा न होने के प्रोटोकॉल ने 15 अगस्त को राष्ट्रपति की ओर से एट होम रिसेप्शन को लेकर कई कटौतियां करने को मजबूर किया है। सामान्य स्थिति में ऐसे कार्यक्रम के लिए आमंत्रितों की सूची 1200 से 1500 मेहमान शामिल हुआ करते थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस साल ये सूची 100 से ऊपर नहीं जा रही है। सिर्फ 90 मेहमानों को ही आमंत्रित किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रमन सिंह के खिलाफ पीएमओ के आदेश पर हो रही जांच को बंद किए जाने के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के उस बयान को सफेद झूठ करार दिया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री की आय को लेकर सवाल उठाते हुए दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं और पूछा है कि 15 साल में उनकी आय 10 गुना कैसे हो गई है। तो वही कांग्रेस के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का आरोप हल्के किस्म का है, सब कुछ पब्लिक डोमेन है। 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में संपत्ति का विवरण दिया गया था। चुनाव आयोग इस विवरण का इनकम टैक्स से मूल्यांकन कराता है। जो विवरण दिया गया उसमें कहीं भी संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं हुई है। संपत्ति का वैल्यू एडिशन जरूर हुआ है, इसमें किसी तरह की विसंगति हमें नजर नहीं आती है। मशहूर शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज उन्होंने शाम 4 बजे करीब अंतिम सांस ली। राहत इंदौरी इंदौर स्थित अरबिंदो अस्पताल में भर्ती थे। उनका निधन हार्ट अटैक से होने की बात कही जा रही है। वे 70 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आज ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त नोट जमा करवाने को कहा। केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि सीआरपीसी 174 के तहत शुरू दुर्घटना में मौत की जांच बहुत कम समय तक चलती है। बॉडी देखकर और स्पॉट पर जाकर देखा जाता है कि मौत की वजह संदिग्ध है या फिर नहीं, फिर FIR होती है। मुंबई पुलिस जो कर रही है वह सही नहीं है। लगातार ऊंचाई के रिकॉर्ड कायम करने के बाद इस हफ्ते की शुरुआत से सोना गिरावट की ओर जाता दिख रहा है। सोमवार और मंगलवार के 2 दिन के कारोबार में गोल्ड 1600 रुपए से ज्यादा टूट गया है। वायदा बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MXC पर गोल्ड फ्यूचर मंगलवार को 424 रुपए की गिरावट के साथ 54,522 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चला गया। हालांकि दिन में कारोबार के दौरान यह 54,570 के स्तर तक भी गया था। सोमवार को यह 54,946 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अवैध शराब बेचने को लेकर हुए दो पड़ोसियों का पारिवारिक विवाद खूनी खेल में तब्दील हो गया। इस खूनी खेल में जहां पति पत्नी की मौत हो गई और एक 12 साल का बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं 3 बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठने वे अनाथ हो गए। दिल दहला देने वाले डबल मर्डर की यह घटना भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र के जोन क्रमांक 2 के LC क्वार्टर की है। सोमवार की शाम मृतक परिवार के अपने पड़ोस में रहने वाले आकाश शर्मा और उसके परिवार से विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि आकाश शर्मा तलवार निकालकर अपने माता पिता के साथ पड़ोसी राजेश अवस्थी, उसकी पत्नी माधवी अवस्थी के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। आरोपियों ने उस दौरान उनके 12 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। इस प्राण घातक हमले में तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ देर रात राजेश अवस्थी, उसकी पत्नी माधवी अवस्थी की मौत हो गई।